ऐसा चेहरा योगी आदित्यनाथ जो खुलेआम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, दूसरी बार यूपी को जीतने के बाद ब्रांड योगी बन चुके हैं। हिंदुत्ववादी छवि के नेता योगी का कड़क मिजाज और उनका बेहतरीन शासन ही है जिसकी वजह से यूपी की जनता ने फिर एक बार उनको मौका दिया है यूपी को सजाने संवारने का। कामकाज तो शपथ लेते ही योगी ने शुरू कर दिया था। ट्रांसफर पोस्टिंग सस्पेंशन की कार्रवाई भी योगी के दूसरे कार्यकाल में जारी है और अब माना जा रहा है कि मुगलों की एक एक याद को यूपी से मिटा देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में मुगलों का कोई नामो निशान ना रहे, इसके लिए योगी ने तो तैयारियां भी शुरू कर दी है। कैसे? मुस्लिम शहरों का नाम बदलने से होगी मुगलों का नामो निशान मिटाने की शुरुआत। कयास ऐसे है कि योगी 1.0 की तरह योगी 2.0 में भी शहरों के नाम बदले जाएंगे। जिन शहरों के नाम बदले जाने हैं उनमें टॉप पर मुस्लिम नाम वाले शहर हैं। शुरुआत 6 जिलों से मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 6 मुस्लिम जिलों के नाम अंदरखाने तय भी कर लिए गए हैं। ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ प्रपोजल आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। अलीगढ़ प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी में ये बात सामने आई है कि राजनीति और इतिहास विषय के प्रोफेसर के साथ कई बुद्धिजीवियों को जिले के इतिहास और राजनीति पर शोध कर नए नाम का सुझाव देने के लिए पिछले साल ही कह दिया गया था। 6 महीने पहले तथ्यों के साथ नया नाम सरकार को प्रस्तावित भी कर दिया गया। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। अब सवाल ये कि शुरुआत में आखिर वो 6 जिले कौन से हैं जिनका नाम बदले जाने की संभावना है। अलीगढ़ का नाम बदलने की आज से नहीं बल्कि योगी के पहले कार्यकाल से ही चर्चा है। हालांकि अभी तक नाम बदला नहीं जा सका है, लेकिन इस बार नाम बदले जाने वाले शहरों में अलीगढ़ का नाम टॉप पर है। 2015 में तो विश्व हिंदू परिषद ने ही अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग उठाई थी। 6 अगस्त 2021 को अलीगढ़ की नई नवेली पंचायत कमेटी ने अपने नए अध्यक्ष विजय सिंह की अगुवाई में विकास भवन ऑडिटोरियम में न सिर्फ नाम बदलने की बल्कि नए नाम का प्रस्ताव भी पारित किया था। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ या आर्यगढ़ रखने की तैयारी है। फरुखाबाद जिले से मुकेश राजपूत लगातार दूसरी बार सांसद हैं। अभी हाल ही में उन्होंने फरुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग की है। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा है। ये जिला द्रौपदी के पिता द्रुपद पांचाल राज्य की राजधानी था, इसके लिए इसका नाम पांचाल नगर होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण का प्रतीक रही पांचाली के मायके के नाम पर इस जिले का नाम रखकर नारी शक्ति को भी सम्मान देने का काम होगा। सुल्तानपुर का भी नाम बदलने का प्रस्ताव सीएम योगी के पास पहुंच चुका है। सुल्तानपुर की लम्हुआ सीट से बीजेपी के विधायक रहे देवमणि द्विवेदी सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने का प्रस्ताव भेज चुके हैं। मान्यता है कि सुल्तानपुर को किसी मुगल शासन के सुल्तान ने नहीं बल्कि श्रीराम के बेटे कुश ने बसाया था। बदायूं का नाम बदलने को लेकर अभी कोई प्रस्ताव तो नहीं आया है, लेकिन योगी के दूसरे कार्यकाल में बदायूं का नाम बदलना तय माना जा रहा है। सीएम योगी ने 9 नवंबर 2021 को बदायूं के एक कार्यक्रम में इसका इशारा भी किया था। सीएम योगी ने कहा था, बदायूं वेदों के अध्ययन का केंद्र था, इस वजह से प्राचीन समय में इसका नाम वेदमऊ था। फिरोजाबाद की जिला पंचायत ने भी 2 अगस्त 2021 में बैठक कर जिले का नाम चंदनगर रखने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच चुका है। शाहजहांपुर से विधायक रहे मानवेंद्र सिंह ने भी अपने जिले का नाम बदलने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। शाहजहांपुर का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के करीबी भामा शाह और एक और नाम शाहजी के नाम पर शाहजीपुर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। इन 6 जिलों के अलावा और भी कई जिलों के नाम बदलने के प्रस्ताव सरकार के पास हैं। कई और जिलों के नाम बदलने की तैयारी में है योगी सरकार। मैनपुरी 16 अगस्त को ही मैनपुरी में जिला पंचायत स्तर की एक बैठक हुई थी जिसमें मैनपुरी का नाम बदलकर मयानपुरी रखने की मांग की गई। संभल जिले का नाम बदलकर कल्की नगर या फिर पृथ्वीराज नगर रखने की मांग उठी है। देवबंद बीजेपी विधायक ब्रजेश सिंह रावत ने देवबंद का नाम बदलकर देववृंदपुर रखने की मांग उठाई है। गाजीपुर
गाजीपुर से दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय एक साल पहले ही गाजीपुर का नाम बदलकर गढ़ीपुरु रखने की मांग कर रही हैं। कानपुर, कानपुर देहात के रसूलाबाद और सिकंदराबाद और अकबरपुर रनिया में नामों को लेकर प्रस्ताव बनाने को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। आगरा, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आगरा की जगह अग्रबंध जिला नाम रखने की चर्चा फिलहाल जोरों पर है। इन 12 जिलों के नाम बदलने के कयास तो लगाए ही जा रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या होती है किसी भी शहर का नाम बदलने की प्रक्रिया। जिले के प्रतिनिधि को ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ सरकार के पास प्रस्ताव भेजना पड़ता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। राज्य सरकार विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित कराने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजती है। गवर्नर के मुहर के बाद नोटिफिकेशन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। गृह मंत्रालय प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राज्य सरकार जिले के नाम को बदलने की अधिसूचना जारी करती है। राज्य सरकार एक नोटिस जिले के प्रशासन के पास भेजती है। एक जिले में लगभग 80 से 90 सरकारी विभाग होते हैं। इनका नाम बदलने के साथ ही पुराने दस्तावेजों को बदलकर नामों के साथ तैयार किया जाता है। सभी सरकारी बोर्डों पर नया नाम लिखवाया जाता है। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को अपने साइन बोर्ड बदलवाने पड़ते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस जिले का नाम बदला जा रहा है ऐसा नहीं है कि उसी जिले में स्टेशनरी मोहरों और साइन बोर्ड आदि बदले जाते हैं, बल्कि पूरे देश में व्यापक पैमाने पर फिर बदलाव करना पड़ता है। आपको बता दें, देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के पीछे योगी इस तरह से जुटे हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब योगी मुस्लिम नाम के शहरों के नाम बदलने के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश रहने के साथ साथ गोरखपुर से सांसद रहने वाले योगी ने गोरखपुर में ही कई नामों को बदलवा दिया था। जैसे उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, हुमायूंपुर को हनुमान नगर, मीना बाजार को माया बाजार और अली नगर को आर्य नगर कर दिया गया था। योगी ने अपने पहले कार्यकाल में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा था। अब आगे आने वाले दिनों में कई और शहरों के नाम बदलने की चर्चा तेज हो चली है। वैसे आपको क्या लगता है, नाम बदलना ठीक है या फिर नाम बदलने से अच्छा है कि योगी सरकार अपने प्रदेश के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं दिलवाने पर फोकस करे? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।